Assalamualaikum. In this session, we will learn about strings in C++. Strings क्या होती हैं? Strings basically collection of characters होता है. जैसे for example, country एक string है जिसमें different characters हैं. आपका name एक string है. आपका जो home address है वो एक string है जिसमें numbers भी आते हैं, different special characters भी आते हैं, alphabets भी आते हैं. So string is basically a collection of characters. C++ में हमारे पास strings की दो टाइप्स की रिप्रेजेंटेशन है. एक हमारे पास सी स्टाइल स्ट्रिंग है और दूसरी हमारे पास स्ट्रिंग की क्लास है. जो फर्स्ट सी स्टाइल स्ट्रिंग है वो सी लैंग्वेज में ओरिजिनेट हुई थी और उसे C++ में भी सपोर्ट किया जाता है. और जो दूसरी स्ट्रिंग की क्लास है वो C++ में इंट्रोड्यूस कराई गई. सी स्टाइल स्ट्रिंग में बेसिकली अरे ऑफ कैरेक्टर्स होती है जिसमें आपके पास डिफरेंट कैरेक्टर्स एक अरे में स्टोर होते हैं और उसको आप स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं. इसके एंड में जो है वो एक स्पेशल कैरेक्टर जिसको आप नल कैरेक्टर कहते हैं वो स्टोर होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग एंड हो गई है. ये \0 से रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे ये आपके पास एक अरे ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है. इसमें आपने एक स्ट्रिंग हेलो को स्टोर कराया हुआ है. अब जैसे अरेज लास्ट सेशन में हमने देखा था कि मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करती है इन कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन. तो ये हमारे पास मेमोरी एड्रेसेस हैं, ये हमारे पास मेमोरी एड्रेसेस हैं और ये हमारे पास इंडेक्सेस पे एक एक कैरेक्टर स्टोर हुआ है. इसमें देखें अगेन इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है और जो आपका लास्ट इंडेक्स है वहां पे नल कैरेक्टर पड़ा हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग एंड होगी, जिसको आप \0 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसके हम इस स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को उसके इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. जैसे अगर हमने ये फर्स्ट एल एक्सेस करना है तो हम टू इंडेक्सेस को एक्सेस कर सकते हैं. इसके अगर हम सिंटेक्स की तरफ आएं तो सबसे पहले आपने डेटा टाइप बतानी होती है जो कि हमारे पास कैरेक्टर की होगी, ठीक है. उसके बाद आपने नेम डिफाइन करना है और उसके बाद आपने स्ट्रिंग का साइज डिफाइन करना है, ठीक है. ये एक सिंपल डिक्लेरेशन है स्ट्रिंग की या फिर अरे ऑफ कैरेक्टर्स की. अगर यहीं पे आपने डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन भी करनी हो तो आप स्ट्रिंग्स को हमेशा आप डबल कोटेशंस में लिखते हैं. यहाँ पे मैं स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर रही हूँ, ठीक है. तो ये मेरे पास इस वाली स्ट्रिंग में हेलो का वर्ड है वो सेव हो गया. अब इसका एक और वे है जिससे मैं इसको इनिशियलाइज कर सकती हूँ. 6 इक्वल्स. अब मैं एक एक कैरेक्टर भी इसमें सेव कर सकती हूँ. ई एल एल ओ \0. अब ये देखें इसमें मैंने क्या किया. इनिशियलाइजेशन में मैंने एक एक कैरेक्टर को अलग अलग से स्टोर करा रही हूँ. एक एक कैरेक्टर को मैंने एज अ सेपरेट कैरेक्टर यहाँ पे मेंशन किया और इसके एंड में मैंने \0 भी एंटर कराया है, जो कि आपका नल कैरेक्टर है. और सेम ये रिप्रेजेंटेशन जो है, ये इनिशियलाइजेशन आप इस तरह से भी कर सकते हैं. इसमें आपको नल कैरेक्टर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. कंपाइलर खुद ही जब आपकी स्ट्रिंग जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे नल कैरेक्टर को प्लेस कर देता है. इसी तरह आपको यहाँ पे ये साइज मेंशन भी आपकी मर्जी है. अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो आप मेंशन कर दें, अगर आप मेंशन नहीं भी करते तो इस स्ट्रिंग का जितना साइज होगा वो आपकी अरे का साइज हो जाएगा. एक और बात, अब आपके पास जो हेलो का वर्ड है उसमें आपके पास 5 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है. लेकिन आपने साइज उसका 6 रखा है. 6 क्यों रखा है? क्योंकि एंड में आपके पास जो नल कैरेक्टर है उसके लिए भी आपको जो है वो प्लेस चाहिए होती है. इसलिए आप हमेशा अपने जो आपके वर्ड के लेटर्स होते हैं उससे एक साइज ग्रेटर रखते हैं, ताकि आप नल कैरेक्टर को भी स्टोर कर सकें. अच्छा, अगर आपने सिंपल प्रिंट आउट कराना हो स्ट्रिंग को तो आप सिंपल उसके नेम से प्रिंट करा सकते हैं, सी आउट करा सकते हैं. ये देखें, ये आपके पास हेलो प्रिंट हो गया.
अच्छा यहाँ पे तो हमने स्ट्रिंग को जो है वो खुद ही इनिशियलाइज करा दी है, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को खुद ही इनिशियलाइज करा दिया। अगर हमने यूजर से स्ट्रिंग लेनी हो, हम एक स्ट्रिंग कैरेक्टर अरे डिफाइन करते हैं 10, ठीक है। अब हम यूजर से एंटर कराते हैं, एंटर स्ट्रिंग, सी आउट हमने करा लिया। अच्छा अब यहाँ पे अगर हम सिंपल सी इन के साथ इनपुट लेते हैं अरे में, अच्छा सी इन हमने अरे के नेम से जो है जो हमने ए डबल आर नेम रखे उसे हमने सी इन करा लिया। अब हम इसी को अगर सी आउट कराएं, अब हम इसको रन करके देखते हैं, एंटर स्ट्रिंग हेलो, तो ये देखें हेलो मेरे पास प्रिंट होके आगे, मीन्स सी इन जो है वो एक वर्ड के लिए बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब इसी में मैं अगर इसी स्ट्रिंग में मैं हेलो स्पेस हाय एंटर करती हूँ, तो देखें मेरे पास आउटपुट पे सिर्फ हेलो आ रहा है, मीन्स सिर्फ उसने फर्स्ट वर्ड को इनपुट लिया है, स्पेस के बाद वाले वर्ड को उसने नहीं इनपुट लिया। इट मीन्स कि सी इन जो है वो स्पेस को कंसिडर करता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गई है, और अगर आपने पूरा एक सेंटेंस इनपुट कराना हो तो आप सी इन के थ्रू इनपुट नहीं करा सकते। उसके लिए आप सी इन डॉट गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करते हैं, और इसके इसके अंदर आप जो आपने जिस स्ट्रिंग में आपने इनपुट लेनी है कॉमा एंड देन उस स्ट्रिंग का साइज आप पास कराते हैं, ठीक है। अब हम इसको सी आउट करा देते हैं जो हमने इनपुट लिया है। अब इसको रन करके देखें, एंटर स्ट्रिंग हेलो स्पेस हाय, अब ये देखें इसने पूरी स्ट्रिंग इनपुट ली है सी इन डॉट गेट लाइन के फंक्शन से। तो ये सिंपल आपके पास स्ट्रिंग की इनपुट एंड आउटपुट हो गई है। अच्छा अब हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड नंबर ऑफ वोवल्स इन अ स्ट्रिंग। अच्छा आपने एक स्ट्रिंग लेनी है और उसमें आपने टोटल नंबर ऑफ वोवल्स को बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर अरे डिफाइन कर देते हैं, इसका मैं 15 साइज ले लेती हूँ, सी आउट प्लीज एंटर योर सेंटेंस अच्छा अब मैं सी इन डॉट गेट लाइन से गेट लाइन में पहले स्ट्रिंग का नेम कॉमा उसका साइज मैंने सी इन करा लिया। अच्छा पहले हम स्ट्रिंग को सी आउट भी करा लेते हैं, एंटर्ड सेंटेंस इज, और आगे हमने इसको प्रिंट करा लिया। अब हमने उसमें टोटल नंबर ऑफ वोवल्स काउंट करने, इसके लिए हम लूप यूज़ करेंगे। इनिशियली हम आई को ज़ीरो से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। अब हम लूप स्टार्ट करते हैं व्हाइल। अच्छा अब हमें ये तो पता है कि अरे में इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होता है, अब उसने कहाँ तक जाना है। अब साइज इसका 15 है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो यूज़र ने स्ट्रिंग एंटर की है उसमें पूरे 15 कैरेक्टर्स ही हों। हमें पता है कि स्ट्रिंग एंड कहाँ पे हो रही है, जहाँ पे हमारे पास नल कैरेक्टर आ रहा है। तो हम व्हाइल में कंडीशन लगाएंगे, जब अरे ऑफ आई जो है जब तक इज नॉट इक्वल्स टू नल कैरेक्टर, क्योंकि जब वो नल कैरेक्टर तक पहुँच जाएगा इट मीन्स कि हमारी स्ट्रिंग एंड होगी और हमें लूप को टर्मिनेट कर देना है, ठीक है। अब हम कंडीशन लगा देते हैं, इफ अरे ऑफ आई इक्वल इक्वल्स टू ए और अरे ऑफ आई
इक्वल इक्वल्स टू ई, और अरे ऑफ आई इक्वल इक्वल्स टू आई, और अरे ऑफ आई इक्वल इक्वल्स टू ओ, और अरे ऑफ आई इक्वल इक्वल्स टू यू। ठीक है, ये हमने और के ऑपरेटर के साथ सारे वोवल जो हैं वो डिफाइन कर दिए ए ई आई ओ यू के। इनमें से जब भी कोई हमारे पास कैरेक्टर आए तो हम एक ऊपर काउंट का वेरिएबल ले लेते हैं जो कि इनिशियली जीरो है, और जैसे इनमें से कोई कैरेक्टर फाइंड आउट हो तो वो काउंट में इंक्रीमेंट कर दे। ठीक है, और उसके बाद आप आई में प्लस प्लस। लूप एंड होने के बाद हम प्रिंट करा देते हैं टोटल नंबर ऑफ वोवल्स इज काउंट। ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं। प्लीज एंटर योर सेंटेंस। अब मैं सेंटेंस एंटर करती हूँ, हाउ आर यू। एंटर्ड सेंटेंस इज हाउ आर यू, टोटल नंबर ऑफ वोवल्स इज 5। हम काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो इसने हमें टोटल नंबर ऑफ वोवल्स काउंट करके दे दिए। इसका अगर आप ड्राई रन देखें तो अब हमारे पास ये स्ट्रिंग है। पहले हम इंडेक्स डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। अगर हमारे पास साइज 15 है तो आपको पता है कि वो लास्ट इंडेक्स हमारे पास 14 होगा। ठीक है, ये हमारी अरे एक डिक्लेयर हुई है और ये मैंने इसके इंडेक्सेस लिखे हैं उस अरे के। अच्छा, अब जब यूज़र एंटर करता है हाउ आर यू, तो एक एक कैरेक्टर आपका एक एक इंडेक्स पे जाके सेव हो रहा है। ओ डब्ल्यू स्पेस आर स्पेस वाई ओ यू। ठीक है, अब ये देखें, 0 पे एच है, 1 पे ओ है, 2 पे डब्ल्यू है, 3 पे स्पेस है, और इसी तरह ये एक एक इंडेक्स पे जाके आपका एक एक कैरेक्टर सेव हो गया। अच्छा, अब जब आपने लूप आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया है और आपने लूप चलाया है, कंडीशन लगाई है कि अरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू बैक स्लैश 0। अब बैक स्लैश 0 आपका कहाँ पे आएगा? आपका इस 11 इंडेक्स पे आपका बैक स्लैश 0 होगा, क्योंकि जब यूज़र ये हाउ आर यू स्ट्रिंग लिखेगा और एंटर प्रेस करेगा तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो गई है, और वो जो उससे नेक्स्ट इंडेक्स होगा वहाँ पे बैक स्लैश 0 प्लेस कर देगा, ताकि उसे पता हो कि यहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो गई है। ठीक है, तो जब आई की वैल्यू 0 होगी तो वो पहला कैरेक्टर चेक करेगा। ठीक है, ये बैक स्लैश 0 नहीं है, ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है, इसके इक्वल नहीं है, तो वो लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर वो उसको इन सारे वोवल से कंपेयर करेगा। ठीक है, तो एच जो है वो कोई भी वोवल नहीं है, वो इफ के कंडीशन नहीं एग्जीक्यूट होगी, और आई में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई की वैल्यू 1 होगी, अरे ऑफ 1 को चेक करेगा, अरे ऑफ 1 में ओ पड़ा है, ये भी अगेन बैक स्लैश 0 के इक्वल नहीं है। अब वो अगेन ये कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे इसको जो है वो ये वाली जो है कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी। और मैं आपको पता है एक भी कंडीशन ट्रू हो तो वो ट्रू हो जाता है। ओ इसको मिल गया है तो वो काउंट में प्लस 1 कर देगा, और आई में भी फिर प्लस 1 कर देगा, आई की वैल्यू आगे 2 हो जाएगी। इस तरह वो इन सारे वोवल्स को काउंट कर लेगा यू तक। अब जब आई की वैल्यू 11 होगी तो अरे ऑफ 11 पे वो देखेगा कि बैक स्लैश 0 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और वो लूप से एग्जिट हो जाएगा, और उसके बाद वो टोटल नंबर ऑफ वोवल जो काउंट में जितने आपके पास जो हैं वो नंबर्स ऐड हो चुके हैं वो उनको प्रिंट करा देगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें आप एक स्ट्रिंग में टोटल नंबर ऑफ वोवल्स काउंट कर रहे हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी वन स्ट्रिंग
इनटू एन अदर स्ट्रिंग। अच्छा, अब एक स्ट्रिंग आपने लेनी है और उसको दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कराना है। हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, यहीं पे हम इसको इनिशियलाइज भी करा देते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हमने एक स्ट्रिंग ले ली है। अब हम एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, अरे वन, और इसका हम साइज जो है वो 15 ले लेते हैं। अब हमने ये वाली जो ए डबल आर वाली स्ट्रिंग है इसको ए डबल आर वन में कॉपी कराना है। ठीक है, हम लूप यूज़ करेंगे, आई को ज़ीरो से इनिशियलाइज कराएंगे। लूप कहाँ तक चलाएंगे, व्हाइल अरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू, हमें पता है बैक स्लैश ज़ीरो पे स्ट्रिंग एंड होती है, तो वहाँ तक हम लूप चला देंगे। लूप के अंदर आपने क्या करना है, आपने अरे वन ऑफ आई के इंडेक्स पे आपने कॉपी कराना है अरे ऑफ आई को। ठीक है, और इसमें आपने आई में प्लस प्लस कर देना। लूप के बाद आपने अरे वन ऑफ आई में बैक स्लैश ज़ीरो सेव कराना है, और अब आप सी आउट करा दें अरे वन को। ठीक है, जिसमें हमने कॉपी कराई है स्ट्रिंग, ताकि हमें पता चल जाए कि स्ट्रिंग कॉपी हुई है कि नहीं। इसको हम रन करके देखते हैं, तो ये देखें, ये हम अरे वन में हेलो वर्ल्ड कॉपी हो गया है। इसको अगर आप ड्राई रन करें, एक हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या सेव है, हेलो स्पेस आर एल डी और एंड में आपको पता है बैक स्लैश ज़ीरो। ठीक है, ये मैंने ऊपर इंडेक्सेस लिखे हुए हैं और ये इन इंडेक्सेस पे ये कैरेक्टर जो है वो सेव है, ये हमारे पास है अरे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है अरे वन। ठीक है, अब अरे वन में क्या होगा, अरे वन में हमने ये वाली जो अरे, इस वाली अरे की ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हमने अरे वन में सेव कराने हैं। ठीक है, तो आई की वैल्यू जब ज़ीरो होगी इनिशियली, ठीक है, तो उसने चेक किया, आई की वैल्यू ज़ीरो है, उसने चेक किया अरे ऑफ आई पे बैक स्लैश ज़ीरो तो नहीं पड़ा, यहाँ पे बैक स्लैश ज़ीरो नहीं पड़ा। तो लूप के अंदर आप क्या करें, अरे वन के ज़ीरो इंडेक्स पे आप अरे ज़ीरो वाली वैल्यू को स्टोर कराएं। तो अरे ज़ीरो पे एच पड़ा है, तो अरे वन के भी ज़ीरो इंडेक्स पे एच सेव हो जाएगा। ठीक है, अब आई की वैल्यू वन होगी, अगेन अरे के वन इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो अरे वन के वन वाली वैल्यू पे आ जाएगी ई। ठीक है, अब इसी तरह ये सारी जो वैल्यूज हैं वो 10 तक तो कॉपी हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह इसको हम लिख लेते हैं, ई एल एल ओ देन स्पेस देन डब्ल्यू ओ आर एल डी। ठीक है, यहाँ तक हमारा पूरा कॉपी हो गया है, जब तक ये लूप आई की वैल्यू 10 तक होगी वहाँ तक जब लूप चलेगा। ठीक है, अब जब आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू होगी 11, ठीक है, आई की वैल्यू 11 पे देखें, जब अरे ऑफ 11 की वैल्यू को चेक करेगा तो यहाँ पे पड़ा हुआ है बैक स्लैश ज़ीरो, इट मीन्स के ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि ये इसके इक्वल आ गया बैक स्लैश ज़ीरो के, तो वो लूप को एग्जिट कर देगा। अब लूप को एग्जिट करने के बाद यहाँ पे तो हमने अभी बैक स्लैश ज़ीरो प्लेस नहीं किया, क्योंकि हमारा लूप तो वहीं पे एग्जिट हो गया था, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट आप लूप से बाहर लिखेंगे कि अब जो आई की वैल्यू है जो कि 11 है, तो अरे 1 के 11 इंडेक्स पे वो बैक स्लैश ज़ीरो को प्लेस करते।
ताकि ये वाली स्ट्रिंग भी इसका भी पता चल जाए कि ये कहाँ पे टर्मिनेट हुई है। इस तरह आपने एक अरे की वैल्यूज को दूसरी अरे में कॉपी कर दी है। अच्छा, ये आपके ये वाला जो प्रोग्राम है इसमें आपने सारा जो है वो कॉपी का काम खुद किया है। C++ में आपके पास स्ट्रिंग्स के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि आपके स्ट्रिंग के बहुत सारे कामों को बहुत इजी कर देते हैं। उसके लिए आप ये सी स्ट्रिंग की जो है वो हेडर फाइल लाजमी यूज़ करेंगे, अदरवाइज वो फंक्शंस को आइडेंटिफाई नहीं करेगा कंपाइलर। अब मैं बताती हूँ कौन कौन से फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। एक हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसमें हम हेलो स्ट्रिंग हमने सेव करा दी, ठीक है। दूसरी हम ले लेते हैं सॉरी नाम चेंज करना पड़ेगा AR1। यहाँ पे हम हाउ आर यू, ये 10 से ज़्यादा हो गए, यहाँ पे हम इसको 15 साइज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दो हमने कैरेक्टर अरेज ले ली हैं। अब अगर मैंने इन दोनों को कंकेटिनेट करना है, मीन्स मैंने ये दो मेरे पास स्ट्रिंग्स हैं इनको मैंने एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो एक स्ट्रिंग कंकेटिनेट का बिल्ट इन फंक्शन है जो कि है strcat, ठीक है। फंक्शन का नाम है strcat। इसके आर्गुमेंट्स में पहले आपने वो अरे लिखनी है जिसके एंड पे आपने कंकेटिनेट कराना है, और नेक्स्ट आपने वो अरे लिखनी है जिसको आपने कंकेटिनेट करना है। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ये इन दोनों अरेज को आपस में कंकेटिनेट करके इस वाली अरे में स्टोर कर देगा, ठीक है। मीन्स के ये वाली भी जो आपकी स्ट्रिंग है इसको इसके साथ आगे कंकेटिनेट कर देगा, ऐड कर देगा और इस वाली स्ट्रिंग में ही स्टोर कर देगा। अब इस वाली स्ट्रिंग का हमने साइज 5 मेंशन किया हुआ है, तो अब हम सी आउट करके देखते हैं कि क्या ये होगा। देखिए, इसने हमें एरर दे दिया है कि क्योंकि हम कंकेटिनेट करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हमने उसका साइज सिर्फ 5 रखा हुआ है, तो इसलिए हमें इसका साइज भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम इसका साइज 20 रख लेते हैं। अब देखते हैं क्या कंकेटिनेट हो जाएगा। अभी देखें, हेलो हाउ आर यू, सिंपल। मैं पहली वाली, ये देखें, मैं सिर्फ फर्स्ट वाली को सी आउट करा रही हूँ लेकिन उसमें वो सेकंड वाली भी कंकेटिनेट हो चुकी है, तो ये इसका एक बिल्ट इन फंक्शन है। अच्छा, नेक्स्ट अभी जो हमने एक कॉपी वाला प्रोग्राम किया है, पूरा हमने कोड लिखा है एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने का, उसके लिए भी हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है। अब ये देखें, AR को मैंने इनिशियलाइज कराया हुआ हेलो से, जबकि AR1 में मैंने कोई भी स्ट्रिंग अभी एंटर नहीं की, तो उसके लिए मैं strcpy का फंक्शन यूज़ करूँगी। अब पहले आपने उस स्ट्रिंग का नाम लिखना है जिसमें आपने कॉपी करानी है, और कॉमा के बाद आपने उस स्ट्रिंग का नाम देना है जिसको आपने कॉपी कराना है। मींस इस स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग सेव होगी वो आपकी इस वाली में कॉपी हो जाएगी, ठीक है। अब आप सी आउट करा के देखें अरे वन को, इसको हम रन करके देखते हैं। साइज हमें इसका 6 रखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास नल कैरेक्टर भी आता है। अब ये देखें, AR1 में जो है वो आपकी हेलो स्ट्रिंग कॉपी हो गई है। इसी तरह आपके पास एक स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन होता है जिसमें आपको स्ट्रिंग की टोटल लेंथ पता चल सकती है strlen, और इसके आर्ग्यूमेंट्स में आपने जिस भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है वो लिख देते हैं। अब ये मैंने इस वाली स्ट्रिंग की मैंने लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो मैंने इसको मैं सी आउट ही करा लेती हूँ ताकि मुझे लेंथ पता चल जाए।
तो इसने 5 दे दिया। अच्छा यहाँ पे आप देखें, इसने सिर्फ कैरेक्टर्स को काउंट किया है और उन कैरेक्टर्स को काउंट किया जो हमारी स्ट्रिंग में थे, और बैक स्लैश जीरो को इसने काउंट नहीं किया क्योंकि वो हमारी स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ जस्ट इंडिकेशन के लिए है कि यहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो गई है। हमारे पास एक और बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग कंपैरिजन का। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, दो हमने स्ट्रिंग्स ले ली हैं, एक एक में हमारे पास हेलो है, एक में हमारे पास हाय है। अब इन दोनों को हमने अगर कंपेयर कराना है तो cout strcmp, ठीक है, और उसके बाद हम फर्स्ट स्ट्रिंग एंड देन सेकंड स्ट्रिंग, अच्छा ये फंक्शन जो है ये हमें क्या रिटर्न करता है, ये इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है, अगर तो दोनों के सारे कैरेक्टर्स सेम हैं तो ये ज़ीरो रिटर्न करता है, ये वाला फंक्शन, ठीक है। अगर जो है वो फर्स्ट वाले का कैरेक्टर सेकंड वाले के कैरेक्टर से ग्रेटर आ जाता है तो ये आपको ग्रेटर देन ज़ीरो रिटर्न करेगा, और अगर फर्स्ट वाले का कैरेक्टर कोई भी सेकेंड वाले से लेस हो जाएगा तो ये आपको लेस देन ज़ीरो रिटर्न करेगा। ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है वो कंपैरिजन करता है, मींस जो इसके ज़ीरो इंडेक्स पे कैरेक्टर होगा वो इस वाली अरे के ज़ीरो इंडेक्स के कैरेक्टर से कंपेयर करेगा, अगर दोनों इक्वल हैं तो ये नेक्स्ट पे मूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसके वन इंडेक्स पे ई पड़ा है और इसके वन इंडेक्स पे आई पड़ा है, अब ई की जो वो आस्की वैल्यू है वो आई की आस्की वैल्यू से लेस है, ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारी ये वाली अरे इसका ये इसकी, ठीक है, ये लेस हो जाएगी किससे, इस वाली से, तो ये हमें नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, लेस देन ज़ीरो रिटर्न करेगा। इसको रन करके देखते हैं, ये देखें इसने हमें माइनस वन रिटर्न किया। अच्छा अब अगर मैं इसको जो है वो कैपिटल एच कर देती हूँ, अब आप फर्स्ट दोनों कैरेक्टर्स देखें तो स्मॉल एच की हमारे पास आस्की वैल्यू ग्रेटर है, कैपिटल एच की आस्की वैल्यू हमारे पास लेस है, इन दोनों को जब वो कंपेयर करेगा तो अब ये फर्स्ट वाली जो स्ट्रिंग है ये हमारे पास ग्रेटर हो जाएगी, तो अब ये हमें वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये देखें ये इसने हमें वन रिटर्न कर दिए। और अगर ये दोनों ही स्ट्रिंग्स जो हैं वो इक्वल हैं बिल्कुल सेम कैरेक्टर्स के साथ हैं तो ये हमें ज़ीरो रिटर्न करेगा कि दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं वो इक्वल हैं। अच्छा इसके अलावा जो है एक हमारे पास फंक्शन है स्ट्रिंग कैरेक्टर का, इसमें आप जो है वो स्ट्रिंग पास करते हैं जिसमें आपने कैरेक्टर फाइंड आउट करना होता है, फिर आप वो कैरेक्टर एंटर करते हैं जो कि आपको फाइंड आउट करना होता है, ये आपको क्या रिटर्न करता है, ये आपको उस कैरेक्टर का पॉइंटर रिटर्न करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फाइंड आउट करेगा कि एल जो है वो इस अरे में कहाँ पे है, तो ये हमें उसका पॉइंटर रिटर्न कर देगा, ये देखें ये फर्स्ट एल जहाँ पे था इसने हमें वो रिटर्न कर दिए। अगर मैं यहाँ पे ओ लिखूँ तो ये, क्योंकि ओ के आगे कुछ भी नहीं है, ये हमें सिंपल हेलो में से जहाँ पे ओ पड़ा हुआ था वो पोजिशन रिटर्न कर देगा। अच्छा ये तो थी आपके पास सी स्टाइल स्ट्रिंग जिसमें आप कैरेक्टर अरेज यूज़ करते हैं। अब अगर आप स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस की स्ट्रिंग यूज़ करें जिसमें स्ट्रिंग की एक क्लास है, उसमें आप स्ट्रिंग कैसे यूज़ करते हैं, आप उसमें स्ट्रिंग के कीवर्ड के साथ वेरिएबल डिफाइन करते हैं, या आपकी स्ट्रिंग डिक्लेयर होगी, जैसे आप बाकी वेरिएबल्स इंटीजर या कैरेक्टर या फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप इसमें स्ट्रिंग का भी वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इसको इनिशलाइज भी करा सकते हैं। तो ये आपकी str में ये वाली स्ट्रिंग जो है वो कॉपी हो जाएगी, इसको हम सी आउट भी करा लेते हैं str, तो ये देखें हाउ आर यू। अच्छा अब इस स्ट्रिंग को अगर आपने यूजर से इनपुट लेना हो, हमने डिक्लेयर कर दी है और हमने यूजर से स्ट्रिंग एंटर करानी है,
उसके लिए आप यूज करेंगे गेट लाइन का फंक्शन, जिसके आर्ग्यूमेंट्स में पहले आप सी इन लिखेंगे, उसके कॉमा के बाद आपने जिस स्ट्रिंग में इनपुट लेनी है उसका नेम, और जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है इसमें आपने डेलिमीटर डिफाइन करना होता है, जो कि अगर आप ना डिफाइन करें तो वो बाय डिफॉल्ट एंटर होता है, बैक स्लैश एन होता है। मीन्स के डेलिमीटर का मतलब है कि आपने जब ये कैरेक्टर आप एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपकी स्ट्रिंग एंड हो जाएगी। तो आप चाहें तो यहाँ पे आप बैक स्लैश एन मेंशन कर सकते हैं, अगर आप मेंशन नहीं भी करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो एंटर ही को कंसीडर करता है कि जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपकी स्ट्रिंग एंड हो जाएगी। उसके बाद आप सी आउट करा दें स्ट्रिंग को, इसको रन करके देखें। एंटर स्ट्रिंग, हेलो हाउ आर यू, ये देखें हेलो हाउ आर यू। अब इसमें हमें फ़ायदा क्या है, उसमें आपको पता है कि आपने साइज डिक्लेयर कराना पड़ता था, ठीक है। अब वो समटाइम्स आप सारे के सारी मेमोरी तो असाइन हो जाती है आपकी कैरेक्टर को, लेकिन आप सारी की सारी मेमोरी यूज़ नहीं कर रहे होते तो मेमोरी वेस्ट जाती है। इसमें आपके जो है वो आपको कोई भी साइज़ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप स्ट्रिंग एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मेमोरी जो है वो आपकी स्ट्रिंग को असाइन हो जाएगी। अच्छा, इसके भी जो है वो बिल्ट इन कुछ मेथड्स हैं। इसमें अगर आपने दो स्ट्रिंग्स को कंकेटिनेट करना हो सबसे पहले, ठीक है, हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं str हेलो, और एक हम स्ट्रिंग ले लेते हैं str1, इसमें हम हाय, ठीक है। अब सिंपल अगर आपने इनको कंकेटिनेट करना है, आप प्लस का साइन यूज करेंगे। एक मैं थर्ड स्ट्रिंग ले लेती हूँ str2, जिसमें मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ str1, और मैं सी आउट करा देती हूँ str2 को। अब देखें इसको अगर हम रन करें तो हेलो हाय, ये आपकी दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो सिंपल प्लस के साथ कंकेटिनेट हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने अब एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग कॉपी करनी हो, उसके लिए आप, अभी मैं एक और स्ट्रिंग ले रही हूँ str1, और उसमें मैं सिंपल इक्वल्स टू str लिखूँगी, तो ये वाली जो मेरी पूरी स्ट्रिंग है वो इसमें कॉपी हो जाएगी। अनलाइक अरे ऑफ कैरेक्टर्स, जिसमें आपको या तो बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना पड़ता था या लूप लगा के एक एक कैरेक्टर को कॉपी करना पड़ता है, इसमें सिंपल आप असाइनमेंट ऑपरेटर से एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं। अगर आपने स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो सी आउट str.length, इसको रन करके देखते हैं, तो ये आपको उसने स्ट्रिंग की लेंथ बता दी है। अच्छा, एक और मेथड है इसमें अपेंड का। अगर आपने स्ट्रिंग के एंड पे कोई और कैरेक्टर्स अपेंड कराने हों तो str.append, और यहाँ पे आपने वो कैरेक्टर्स लिख देने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ES, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अपेंड कराना चाहती हूँ हेलो के एंड पे, ठीक है। अब अगर मैं सी आउट कराऊँ str टर्मिनेटर, अब इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखें वो कैरेक्टर्स इसके एंड में जो हैं वो अपेंड हो गए। अच्छा, एक लास्ट इसका बिल्ट इन फंक्शन देख लेते हैं क्लियर का। क्लियर में क्या है, आपने स्ट्रिंग में जो भी स्टोर कराया होता है वो क्लियर हो जाता है str.clear, ठीक है। अब अगर आप इसकी लेंथ को सी आउट कराएं str.length, अब देखिए यहाँ पे ये मैंने पहले स्ट्रिंग को क्लियर कराया और उसके बाद मैंने उसकी लेंथ फाइंड आउट की है, तो देखें आपके पास आउटपुट पे जीरो आया क्योंकि आपकी स्ट्रिंग जो है वो क्लियर हो चुकी है जो आपने उसमें स्टोर कराया था। तो ये आज आपने देखा जो टू टाइप ऑफ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन आप C++ में यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का टॉपिक क्लियरली से समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।